गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी में। आज इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ गए, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर्स जो है इस चैप्टर्स के हम लोग आज होगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले अपनी बुक्स नोटबुक्स जो बुक्स लेके बैठेंगे, बुक्स में इस वीडियो के थ्रू बुक्स में टिक कर लेंगे, और टिक करने के बाद फिर आप उसे नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं, फिल द ब्लैंक्स से शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स से शुरू करते हैं। फिल द ब्लैंक्स में क्या है? आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर्स है? 3। नाउ द डैश इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या होगा? द क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। फिर नंबर 3, डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो क्या ये पहला वाला? ग्रेनाइट, GRANITE, ग्रेनाइट। एंड डॉलराइट, DOLERITE, डॉलराइट। नंबर 4th वाला है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश रॉक्स, आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड रॉक। और नंबर 5th, रॉक्स कंटेन डैश। तो रॉक्स कंटेन मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम आपको करेक्ट आंसर्स के ये क्वेश्चंस हैं और ये आंसर्स है। तो क्वेश्चंस के सामने जो करेक्ट आंसर्स होगा वो लिखना। जैसे इग्नियस रॉक्स में क्या है? वाटर रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से लिखना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक देखना, एक जो है मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन गलत है, ये मेंटल नहीं होगा, ये क्रस्ट होगा। ठीक है, तो उसको आप करेक्शन कर लो अपने बुक में, इसको कट करके, मेंटल को कट करके क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट कर लेना। ठीक है, तो नंबर 1 इग्नियस रॉक्स का है वाटर रेजिस्टेंस, सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या है? जेम्स। कोर कहाँ मिलता है हमें? कोर को इसलिए NIF, निफ के नाम से, क्योंकि निकल और आयरन है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम दिया निफ। और क्रस्ट जो है वो सिलिका एंड मैग्मा है, तो इसे सीमा। ठीक है, ये क्रस्ट होगा, मेंटल नहीं होगा। तो अपनी बुक में इसको मेंटल को कट करके क्रस्ट कर लेना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स। तो पहला वाला जो है ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ जो है वो फॉल्स है, फिफ्थ भी फॉल्स है। तो ये सभी नोटबुक में होनी चाहिए, काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका। अब हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है सबसे पहले कि नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो आप ऐसे ही बताओ कितने लेयर्स हैं अर्थ के? 3 लेयर्स हैं। एंड राइट अ नोट्स ऑन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आके देख लेते हैं। सबसे पहले लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स, नोट्स ऑन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो पीछे चलते हैं पेज के, टर्न करते हैं। नंबर 1, D1 में क्या था? लेयर्स। सो आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये बताने हैं आपको, साथ साथ आपको ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम इसके साथ ही आएगी, कंपलसरी है। बुक में नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं, बट आपको ये डायग्राम बनानी है। जियो में डायग्राम इस कंपलसरी होता है, क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको उसके साथ डायग्राम देनी ही पड़ती है। ठीक है ना, तो अब अभी जो है इसे इसके साथ ऐड करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है। अब अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो उसके साथ ये डायग्राम जाएगा। फिर नंबर 2 था मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर नोट्स लिखना है। तो थोड़ा आपको अब यहाँ देख लो रॉक्स एंड मिनरल्स में। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन से द रॉक लिथोस्फीयर से लेके
ये पैराग्राफ का सेकेंड लाइन जो एंड होता है वहाँ तक क्रॉस कर लेना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया आपका, ये हो गया आपका रॉक्स एंड मिनरल्स पे नोट्स हो गया नंबर टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। फिर आता है राइट एनी फोर यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के फोर यूजेस बताना है। और फिफ्थ में है टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द अर्थ। तो थ्री क्वेश्चंस पढ़ लिया, अब इसके आंसर्स पीछे चल के देखते हैं। सबसे पहले इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे कहते हैं, रॉक्स के यूजेस क्या है। तो डी नंबर थ्री में एक मेस रॉक्स में आएंगे, ये रहा। अब देखो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव पूछा है, तो सबसे पहले दोनों बताना है। रॉक्स दैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स, ये हो गया डेफिनेशन। फिर ग्रेनाइट एंड डॉलराइट आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स, ये भी बताना है। तो इसी तरह मैंने मेंशन किया D3 नंबर 1। फिर D3 नंबर 2 में आएंगे द रॉक्स दैट कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। फिर बेसल्ट्स एंड ऑडिशियंस ऑब्सीडियंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो ये D3 2 और ये D3 1 था, ठीक है। पहला चेंज होगा, इसके बाद शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यूजेज ऑफ रॉक्स, तो फोर यूजेस पूछा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने यूजेस हैं, 6 यूजेस हैं। तो मैंने तो 1 2 3 को सीक्वेंस वाइज टिक कर दी है। अगर आपको इनमें से कोई और करनी है तो आप खुद चूज कर सकती हो एनी फोर इनमें से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 है, तो 6 में से एनी फोर करनी है। तो ये हमारा D4 हो गया। फिर कोर की टेम्परेचर पूछा था D5 में, तो ये एकदम आगे मिलेगा आपको, आगे पेज में जाएंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये आगे पेज में आगे हमारा 100, कौन से पेज में, पेज नंबर में देख लिया करो, 112 में द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस फ्रॉम 3000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आंसर D5 का, ठीक है। तो ये D5 का आंसर है। अब हम मूव करेंगे लॉन्ग में। लॉन्ग के भी आंसर्स एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेंगे वन बाय फेस के बाद। नाउ डी हो गया कंप्लीट हमारा। अब नंबर E1 एंड 2 देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़े लेंदी हो गए आंसर्स आपके। नाउ राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताना है, 3 लेयर्स हमारा, कौन से लेयर्स है, क्रस्ट है, मेंटल एंड कोर है, 3 लेयर्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करनी है। तो आप कैसे करोगे, तो एक काम करना आप जो है बेटा नोटबुक में क्या करोगे, इस तरह से लाइन डाल देना, ठीक है ना। 3 कॉलम्स हो गए, तो यहाँ पे कर देना क्रस्ट, सेकेंड हो गया मेंटल, थर्ड हो गया कोर, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, तो 1 इसका भी हो गया, 1 इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, पॉइंट नंबर 2 इस दोनों का जाएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इस तरह से। तो आपको इस तरह से बनानी है, तो इसके आंसर्स जो है इसी तरह से करनी है। डिफरेंशिएट मेनली इस तरह से करते हैं या पैराग्राफ करते हैं, तो आप इस तरह से करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बुक में नोटबुक में मार्जिन डाल देना, उस पर पहला वाला क्रस्ट, सेकेंड वाला मेंटल और थर्ड वाला कोर कर लेना, उसके बाद इस तरह से आंसर्स लिखना। तो एक बार आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज में ही मिलेगा कोर मेंटल क्रस्ट, वो फर्स्ट पेज में ही था। अब ये रहा E नंबर 1, अब यहाँ से करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स बोला था, कोई बात नहीं, हम लोग 2 करेंगे क्योंकि फिर आपके लिए लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये नंबर 1 हो गया, ये का क्रस्ट, क्रस्ट का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है।
फिर क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल ऊपर आएगा। मेंटल में भी देख लो, पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू क्लियर हो गया। फिर मेंटल के बाद कोर में आ जाओ, कोर में भी पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू। तो यहाँ पे वन मार्जिन डालेंगे, मेंटल क्रस्ट मेंटल एंड कोर पॉइंट वन टू, इतना ही करेंगे, बहुत है। ठीक है, तो इसी तरह से थ्री हो गया, ई वन कम्प्लीट हो गया। अब ई टू में क्या था क्वेश्चन, ई टू में भी थी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पढ़ लो। ये ई टू का भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, आंसर जो है उसकी लेंदी है, क्योंकि उसने पूछा क्या। अभी हम लोग दो क्वेश्चन साथ में पढ़ेंगे। राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप। अब देखो यहाँ पे थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉक्स। तो हमारे पास रॉक्स थ्री टाइप्स है, तो हर रॉक्स के थ्री थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। ठीक है, तो रॉक्स में जाएंगे, रॉक्स वाले पेज में जाएंगे, जहाँ पे इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स से शुरुआत होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, अब ये आगे इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ से हमारा पेज नंबर देख लेना कौन से पेज में इसके हैं, 114 में है ये वाला। इफ तो ई नंबर टू, ई नंबर टू जो है हमारा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालोगे, इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखोगे। ठीक है, इसमें जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, ऐसे फर्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, लिखा हेडिंग डाला, फिर उसमें से थ्री बताना है, तो पहला वाला बताओगे, दूसरा वाला बताओगे और लास्ट वाला। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये वाला जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला किसके लिए है, ये थर्ड वाला ई फाइव है, थर्ड वाला जो छोटा सा है ये ई फाइव का आंसर है, तो इसे आपको ई फाइव में लिखना है। ठीक है, तो आपको ई टू में से पहला दूसरा और लास्ट वाला, ये हो गया थ्री। फिर ई सेडिमेंट्री रॉक्स में जाएंगे, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में पैरा चेंज करोगे, फिर हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर इसमें भी थ्री करना है, तो पहला वाला तो पूरा कर दोगे, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, तीसरा वाला यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करके ऊपर चले इसे, फिर गैसेस नेचुरल गैसेस तक ख़त्म करना है। थ्री हो गया, तो वन टू थ्री हो गए, तो वन टू और ये थ्री हो गए। ठीक है, थ्री हो गए, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको नहीं करना है, ये नहीं करना है। फिर हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स रह गया, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में जाओ, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी उस पर आगे लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो वन टू थ्री, ये थ्री पॉइंट्स कर लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई और ये ईजी लगता है तो ये कर सकते हो, वो आप पे तो एनी थ्री करना है इसमें से। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री डिफरेंट रॉक्स, ये थ्री हो गया। अब था नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर थ्री के बाद था रॉक साइकिल किसे कहते हैं, रॉक साइकिल क्या है। तो यहाँ पे हमने मैग्मा से शुरू करके यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स तक करना है, उसके बाद ये वाली रॉक साइकिल की जो ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है रॉक साइकिल के साथ डायग्राम जाएगा। फिर इसके बाद वाटर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ई फोर सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री वाले में चलेंगे, सेडिमेंट्री वाला ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, तो सेडिमेंट्री टॉपिक्स जो होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, उस पैराग्राफ में जाओ सेकेंड लाइन से, ये रॉक्स नीचे से वन टू थ्री फोर्थ लाइन। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये ई फोर हो गया कंप्लीट। अब था ई फाइव, ई फाइव मैंने पहले बताया कि छोटा सा है हमारा, ये कौन सा था इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड पॉइंट था, ये वाला ये फाइव हो गया। तो इसी तरह से हमारा जो था क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो गया, अब आपका काम है इसे कंप्लीट नोट डाउन करें, नोटबुक्स में लिखें, सभी कर लिया हम लोगों ने, और इसे रेडी रखें। फिर अब लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नया चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क, क्योंकि कभी भी नोटबुक्स मंगवाएंगे तो चेकिंग के लिए आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए।